गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। रात में हम पेट्रोल पंप पे रुके थे और वहाँ से आगे आ गए हैं, यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो नालामाल जो फॉरेस्ट है वो आगे से ही कुछ गेट है वहाँ से स्टार्ट होता है, तो अभी आपको गेट दिखाएंगे हम। आज है 15 जनवरी और हम नालामाल बॉर्डर पर ही कैंप किए थे आज, और पेट्रोल पम्प था SP पेट्रोल पम्प। तो भाई मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और यहाँ अपना साइकिल रेडी है, वहाँ से ही रेडी करके लेके आए हैं। तो कुछ कुछ दूर पे विलेज मिलेगा, और ये टोटल जो नालामाल फॉरेस्ट है उसका 50 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं अभी बॉर्डर पे चलता हूँ, फिर साइकिल में थोड़ा सा ग्रीसिंग उसिंग करूँगा कि बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो फिर यहाँ से मैं निकलूँगा। तो देखना ज़रूरी है, उसके बाद सब कुछ डन है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग हर हर महादेव का नाम लेके। तो चलिए सीधा गेट पे चलते हैं, देखते हैं कैसा वहाँ पे सिक्योरिटी है, क्या क्या सिस्टम है। तो चलिए चलते हैं, कुछ नाश्ता करने के लिए और कुछ पैक करेंगे रास्ते में। जंगल वाला एरिया रहेगा तो पैक रहेगा तो ठीक रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। तो चलिए, इधर पूड़ी उड़ी बन रहा है, वही खाते हैं, फिर पैक करा के फिर निकलेंगे। फाइनली गेट पे पहुंच चुके हैं, और जस्ट मेरे आगे गेट है, उधर वीडियो नहीं बनाएंगे हम, इधर जाने पे एक जस्ट आगे ही है। और यहाँ पे बाबा जी का दर्शन हो गया, वहाँ शिवलिंग, और ये इधर बंद है, अभी मंदिर बन रहा है, तो बाबा जी का एकदम प्यार से दर्शन। बाबा जी जो फॉरेस्ट का गेट है वो क्रॉस कर गए हैं, मेरा तो कुछ भी डाटा नहीं लगा, गाड़ी वालों को लगता है। वो जस्ट मेरे पीछे वही मेन गेट है, जो कि सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 9 बजे क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से अपना शुरुआत जंगल में, और मुझे अब ही चलना है पैदल, तो चलिए आगे चलते हैं। एकदम वहाँ नीचे से आ रहे हैं, और ये टोटल चढ़ाई है अभी लगभग, स्टार्टिंग में सब लोग बोल रहे थे 8 किलोमीटर का टोटल चढ़ाई है। तो अभी वहाँ देख रहे हैं, ये जो लगा है इसके बहुत आगे तक, उधर पूरा ऐसे स्टेट है, उसके बाद ढलान होगा, टोटल चढ़ाई नहीं होगा। तो 8 किलोमीटर मुझे पैदल ही लग चलना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं कितना है। चलिए हर हर महादेव का नाम लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह सुबह की एनर्जी ज़्यादा रहता है, स्टार्टिंग में चढ़ाई मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। और नज़ारा देखिए भाई, कितना खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं, तो और दिखाते हैं आपको, अभी तो अब चलना है, इसलिए ज़्यादा वीडियो इधर नहीं बनाएंगे, डाउन आएगा तो उधर मिलते हैं आपसे। इतना चलने के बाद सामने डाउन दिख रहा है, चलिए देखते हैं कहाँ तक डाउन है, हालत ख़राब हो गया। अभी 8 किलोमीटर तो नहीं होगा, लेकिन 5 से कम नहीं होगा, 5 पूरा खींच के लाना पड़ा है, और एकदम ऐसे अब था तो बैंड बज गई है। अब सामने ढलान है, चलते हैं, उसके बाद फिर कहीं रुकेंगे तो नाश्ता वास्ता है अपने पास, तब वहीं पर नाश्ता करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। अभी जब तक आए डायरेक्ट अप ही मिल रहा है, और एक बहुत गुड न्यूज़ आपको बता रहे हैं कि रास्ते में आते वक्त ही हमको बाबा मिल गए, और बाबा भी जा रहे हैं
श्रीशैलम बाबा जी का दर्शन करने, और यहाँ से वो जाएंगे काशी, काशी विश्वनाथ जी दर्शन करने, और पद यात्रा पैदल कर रहे हैं। तो अब हम अकेले नहीं है, बाबा जी को साथ में लेके चलेंगे, दर्शन कराएंगे। जब तक ये नहीं पहुँचेंगे तब तक हम इनको लेके चलेंगे, वहाँ तक दर्शन कराने के बाद ही निकलेंगे। और यहीं पे जस्ट भैया लोग भी मिल गए, तो भैया लोग से मिलके थोड़ा ऐसा होता है ना कि अंदर से और मोटिवेशन आता है, जैसे मतलब कोई मिलता है पूछता है तो फिर अच्छा लगता है ना कि हाँ अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भैया। हाँ तो अभी सबसे बात करके फिर आपसे मिलते हैं। अभी एकदम घाटी के नीचे पहुंच चुके हैं और ये एकदम पूरा डीप पॉइंट लग रहा है जैसे, और इधर एकदम सन्नाटा और एकदम शांति। बाबा जी देखिए आराम से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। बाबा जी तिरुपति बालाजी से आप आ रहे हैं ना, तिरुपति बालाजी दर्शन करके बाबा जी आ रहे हैं, और आपको बाबा जी से मिलाए थे। अभी इधर लोकेशन देखिए, देख रहे हैं खतरनाक लेवल। इधर कोई भी आदमी ऐसे नहीं मिलेगा, और सब गाड़ी से जा रहे हैं, हम और बाबा जी पैदल हैं और सब गाड़ी से ही जा रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ आराम करते हैं फिर आगे निकलेंगे। तो आगे कोई लोकेशन है ना जहाँ हम लोग रुकेंगे कुछ टाइम? हाँ तो आगे अभी थोड़ा सा इधर 10 मिनट आराम करके फिर आगे चलेंगे, तो जहाँ रुकेंगे फिर वहीं आपसे मिलते हैं। तो अच्छा कोई लोकेशन दिखता है तो आपको दिखाएंगे। अभी यहीं पे रुक गए हैं थोड़ा, और ये विलेज है, और विलेज का क्या नाम है बाबा? इस विलेज का नाम चिंताला, चिंताला विलेज का नाम है, और काफ़ी अच्छा विलेज है, छोटा सा। तो इधर टेंपल है श्री राम जी का, राम जी सीता जी, काफ़ी सुंदर। और इधर ही आराम करेंगे आधा घंटा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो काफ़ी इस तरह से काफ़ी सुंदर सा टेंपल पहाड़ के नीचे घाटी में। तो यहाँ पे एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, मस्त यहीं पे थोड़ा आराम करेंगे आधा घंटा एक घंटा के आसपास, फिर निकलेंगे। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे उसके बाद निकलेंगे। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत अभी हम और बाबा बैठ के आराम कर रहे थे, तो कृष्णावती वेनी माता जी यहीं पे हमको और बाबा को खाना खिलाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और यहीं पे बैठे थे, इनको हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए बात अच्छे से हो जा रहा है, वरना प्रॉब्लम है। वैसे मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गया कि बाबा जी को तेलुगु आता है, हिंदी भी आता है, तो जहाँ मुझे कुछ नहीं समझ में आता मैं बाबा जी से पूछ लेता हूँ कि बाबा जी क्या बोल रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा अपना हेल्प हो जा रहा है। तो यहाँ पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, माता जी से भी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और यहाँ से 3 बजे निकलेंगे हम लोग ना, 3 बजे के आसपास, थोड़ा सा मौसम अभी गर्म बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा आराम होता है, तो फिर यहाँ से निकलते हैं। तो तब तक माता जी से बात करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे बाद में। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे हम लोगों के यहाँ जैसे बकरी बनता है, वैसे लोग स्वीट बोलते हैं, और मंदिर के जस्ट बाहर ही बनता है, तो आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। मैं यहीं पे बैठा था तो भाई लोग आए यहाँ पे बना रहे थे, तो मैं बहुत ध्यान से कब से देख रहा था, तो मैं सोच रहा था आखिर में क्या बन रहा है, तो वही देखा। फिर कुछ इस तरह से रख के पानी गर्म करके वहाँ पे वो जो भाई उसको भाई जो मिक्स कर रहा है वो गुड़ है, जो कि हमारी तरफ गुड़ बोला जाता है, ये लोग स्वीट बोलते हैं, तो वो सब मिला के यहाँ पे बखीर बनाएंगे और फिर मंदिर में चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद प्रसाद के रूप में सबको देते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर परम्परा है हम लोगों के यहाँ, तो मकर संक्रांति के दिन यूपी में खिचड़ी बनता है हर घर में, और वहाँ सब चिवड़ा खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इधर आप कहीं पे भी पतंग उड़ाते हुए कोई नहीं दिख रहा है मुझको, यहाँ पे ना चिवड़ा उड़ा कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग, बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है अपना। मैं भी जब कल आ रहा था तो हर घर के बाहर ऐसे बन रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया क्या किस लिए रखा गया है। तो घर मतलब जैसे मंदिर के बाहर बन रहा है, वैसे हर घर के बाहर भी ऐसे ही बन रहा था। चलिए, ये सब देखने को मिला हमको, बहुत अच्छी बात है। अभी बाबा जी सो रहे हैं, उठते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से 8 किलोमीटर आगे एक गाँव है, फिर वहीं पे स्टे लेंगे, आज नाइट स्टे उधर ही लेंगे, फिर देखिए कब बाबा उठते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो मंदिर से निकल चुके हैं और हम 4 बजे निकले हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पे एक लास्ट विलेज है, उधर ही नाइट स्टे करेंगे। और बाबा जी एक छोटी सी बच्ची वो बिस्किट मांगी, उसको बिस्किट दिलवा रहे हैं दुकान पे। तो अब यहाँ से निकलते हैं।
फाइनली अपना नाइट स्टे आज प्राइमरी स्कूल पे है और स्कूल हम आपको कल दिखाएंगे। इधर नाइट में आए थे और तो ये जो विलेज है वो काफ़ी खूबसूरत विलेज है जिसको आपको मॉर्निंग में पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। इधर टोटल विलेज में बांस का प्रयोग किए हैं सब लोग, तो आपको मॉर्निंग में दिखाएंगे। और स्कूल प्राइमरी स्कूल है, नाम का प्राइमरी स्कूल है, लेकिन इधर एक नंबर का सब कुछ सिस्टम है, तो ये सब आपको मॉर्निंग में सब कुछ हम दिखाएंगे। तो अभी हम और बाबा जी एक साथ ही और इसी स्कूल में ही, और ये अपना यहाँ के जो चौकीदार थे उन्हीं का ये कमरा है जो कि गवर्नमेंट ने उनको दिया है, तो आज इसी पे स्टे ले रहे हैं हम लोग। तो आज का वीडियो करते हैं पे एंड, मिलेंगे आपसे कल, कल पहुँच जाएंगे श्री शैलम। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।